पानीपत शहर से कांग्रेस के उम्मीदवार संजय अग्रवाल ने अपना चुनाव प्रचार तेज करते हुए भाजपा पर तीखे हमले किए। भाजपा पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। संजय अग्रवाल ने अपना आरोप लगाया कि भाजपा के नेता जनता को बरगलाने में माहिर है। आज भी सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार है, सफाई कहीं नजर नहीं आती। कांग्रेस हमेशा जनता के बीच रहकर काम करती है। उन्होंने कहा कि जनता को अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए कि जनता धोखे में नहीं आएगी। संजय अग्रवाल ने नगर निगम की मेयर अवनीत कौर को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि नगर निगम पानीपत में कोई विकास कार्य नहीं हुए। स्वयं मेयर यह स्वीकार करती है कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ठेकेदारों की अनियमितता कई बार पकड़ी गई, लेकिन किसी अधिकारी व ठेकेदार के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजय अग्रवाल ने दावा किया कि अंततः जीत उनकी होगी। याद रहे कि संजय कई पूर्व पार्षदों को मनाने में सफल रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आते आते कांग्रेस का कुनबा एकजुट होकर सफलता पाएगा। आप सब लोगों को पता है आने वाले 21 तारीख को विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। हमारा मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है इस पार्टी का, उसमें समाज के हित के लिए बहुत सी घोषणाएं की गई है। युवा साथियों के लिए उसमें सबसे बड़ी घोषणा भी आप लोगों को दसवीं तक पड़ा हुआ है, उसको 12,000 रुपये मिलेगा बेटी मतलब, और जो बी ए तक का है उसको 12,000। बुजुर्गों की पेंशन की उम्र घटा दी गई है, 60 साल से घटा के 58 साल और महिलाओं के लिए 55 साल की। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।